हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ बहुत इम्पोर्टेंट, जो कि यूट्यूब पर मैं जब यूट्यूब पर बोल रहा हूँ, स्विमिंग में जब मैं बिगिनर था तो मैं कैसे करता था। स्टार्टिंग में जब थोड़ी बहुत मुझे आ गई थी, काफ़ी पुरानी वीडियो थी जो मैंने 2015 में अपलोड की थी यूट्यूब पर, और वो वीडियो मुझे आज मिल गई है। वो वीडियो आपको दिखाता हूँ, आई होप कि आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चले स्क्रीन पे, एक मिनट बता दूं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, ये थोड़ी धुंधली धुंधली आएगी क्योंकि तब इतना अच्छा कैमरा नहीं था मेरे पास, तब तो मैंने ऐसे बनाई थी और मुझे ये भी नहीं पता था कि मैंने यूट्यूब पे काम करना है या नहीं करना है। तो चलो फ्रेंड्स, अब चलते हैं। थोड़ी धुंधली आएगी तो थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेना, उसके लिए मैं सॉरी पहले बोल देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो अब चलते हैं वीडियो की। तो फ्रेंड्स, ये है बैक फ्लिप। बैक फ्लिप के लिए सबसे पहले आपको पैरों से पूछ लेना पड़ता था, मुझे भी इतनी अच्छी नहीं आती थी। ठीक है, मुझे तैरना भी इतना अच्छा नहीं आता था, तो मैं बिगनर था। बिगनर के लिए सबसे बेस्ट वीडियो है कि सांस कैसे ले। जब मैं ये तैरता था तो मुझे सांस लेना नहीं आता था, तो मैं एक साइड से चलता था, तो जैसे मर्जी दम घुट के जैसे मर्जी मुझे पूरा पार करना पड़ता था। फिर धीरे धीरे मैंने बैक फ्लोटिंग सीखी। ठीक है, ब्लैक हल्का फुल्का तैरना सीखा। डाई भी देख सकते हो कितनी बकवास डाई है ये। तब मैं बिगनर था, तब बहुत मतलब कि मुझे करते हुए थोड़ा टाइम हुआ था, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 3 महीने हुए थे, दो महीने हुए थे, मस्ती दो पता नहीं 1.5 महीना हुआ था। मस्ती करते थे हम, तैरते नहीं थे, जहाँ मेरा तैरना देख सकते हो। तो बिगनर आई होप कि स्टार्टिंग में बिगनर ऐसे ही तैरता है। सांस देखो, डॉग स्विमिंग में ऐसे सांस लेते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लग रही होगी, आप इंजॉय कर रहे होंगे, बट इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। ये मैं ही खुद बिगनर मैं कर रहा हूँ, तो ये मेरा दोस्त वीडियो बना रहा था, दीपक वीडियो बना रहा था। ये बैक फ्लिप का मुझे तब नया नया क्रेज था, पर ये बैक फ्लिप काफ़ी अच्छी तक मैंने सुधार ली थी। तो अभी आप देखो कि मैं थक जाऊंगा, मैं 4-5 राउंड मार के मैं थक चुका था, स्टैमिनर बिल्कुल नहीं था। स्टैमिनर करने से आता, ये देखो डॉग स्विमिंग करके मैं जो नॉर्मल स्विमिंग करते हैं वैसे, अब मैं पूरा थक गया। आप देखना, मैं थोड़ी देर में सीधा हो जाऊंगा, तो मेरे से नहीं होगी क्योंकि मेरे हाथ खड़े हो गए थे, अब मैं उल्टा हो जाऊंगा। ये देखो, अब मैं ऐसे तैरने लग गया था इसके साथ, हल्के हल्के हाथ और पैर मारते रहो, आप तैरने लग जाते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको काफ़ी इन्जॉय आ रहा होगा इस वीडियो देख के, तो आप सेम अप्लाई कर सकते हो। सॉरी मांगता हूँ क्योंकि ये धुंधली है, तब मेरे पास हाईफाई फ़ोन नहीं था, तब पापा पास यूट्यूब पे काम करने का था नहीं इतना, तो ये तो वैसे ही हमने बना के अपलोड कर दी थी। मैंने ये 2015 में अपलोड की थी, पर बनी बहुत पुरानी थी। तो कैसे लगी फ्रेंड्स ये वीडियो, आई होप कि आपको काफ़ी इन्जॉय आया होगा और इससे मोटिवेशन भी काफ़ी मिली होगी। जो बिगिनर हैं उनको वीडियो स्विमिंग करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो आई होप कि इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। और एक बात बता दूँ कि आज या कल मैं वीडियो का जो ब्रेस्ट स्ट्रोक है उसकी आज लेग मूवमेंट आज ही उसकी शूट कर रहा हूँ मैं, लेग मूवमेंट और बकायदा पानी में भी शूट करूँगा। तो वीडियो अगर आप चाहते हो आपको ब्रेस्ट स्ट्रोक आए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लवली मनी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस चैनल को भी प्लीज़ सपोर्ट करें, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। तो मेरे 10K सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि होने वाले हैं, अभी बस 100 सब्सक्राइबर रहते हैं। तो आई होप कि आपका हेल्पफुल से मैं जल्दी ही कर लूँगा। तो चलो फ्रेंड्स, ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में बताएं। तो ये फ्रेंड्स, ये है मेरा मनी डांसर चैनल जिसके ऊपर यही फोटो लगी हुई है, और ये है लवली मनी जिसके ऊपर ये फोटो लगी हुई है। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ इस चैनल को भी सपोर्ट करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। आई होप आपको ऐसी वीडियो मैं देता रहूँगा।